वाह भाई वाह, क्या बात है भाई। हम तो डर गए, हम तो डर गए हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं यार। थू, काम करना काज का, दुश्मन अनाज का। यार सिर्फ बातें ही करना जानते हो, कुछ खेलना भी जानते हो। कहाँ गए तुम्हारे बाबर रिजवान? यार ऐसा भी नहीं बोल सकते कि तुम्हारी किस्मत ने साथ नहीं दिया। अरे दोनों ने 50-50 रन के करीब पहुंच गए हैं, और उसके बाद 70 बॉल 65 बॉल ऐसे खेल लिया है। अभी क्या चाहिए तुमको? तुमको किस्मत का भी साथ मिला, उसके बाद भी तुम ढेर हो जाते हो। 150 रन पर 2 विकेट है, और 190 रन जाते जाते पूरे ऑल आउट हो जाते हो, और तुम भारत से टक्कर करोगे? यार कुछ बोलने से पहले शर्म किया करो। देखा हमारे रोहित शर्मा को कैसे मार रहा था। खिलाड़ी ऐसे होते हैं, तुम्हारे बाबर रिजवान से ना हो पाएगा भाई, कतई हो ही नहीं पाएगा। अच्छी बात है, सपना देखो भारत को हराने का, लेकिन यार मतलब मैच टाई हो गया, बरसात हो गई, तो कुछ भी। तो कुछ भी बोलने से पहले ध्यान रखा करो। हालांकि भारतीय खिलाड़ी ने अच्छी तरीके से बजा दी है पाकिस्तान की, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने भौकाल मचा रखा था कि हमारा प्लेयर ऐसा है, हमारा ये फॉर्म मिडिल वाला फॉर्म में है, ओपनर फॉर्म में है, कहाँ फॉर्म गई भाई? कहीं तुम मैच में थे ही नहीं, चाहे बाबर रिजवान की पार्टनरशिप को छोड़ दिया जाए तो वो भी इतनी धीरे धीरे खेल रहे हैं। यार बुमराह उससे तेज हमारा खेल लेता तुम्हारे प्लेयर से। तुम्हारा जो इतना बड़े बड़े नाम बताते हो, बाबर रिजवान, क्या बताएं यार, कोई रोमांच नहीं। बस वही रोहित शर्मा की हमारी जो बैटिंग थी, बस वही हमको देखने में आनंद आया। उसके बाद तुम लोग तो इतना बेकार खेले यार कि तुमसे अच्छा तो केनिया वाले, नेपाल वाले खेलते हैं। देखा अफगानिस्तान वाले, कम से कम इतना अच्छा टारगेट तो दिया था। तुम पहले जाकर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उसके बाद नेपाल, इनसे टक्कर करो। जब हो जाना, अभी तुम्हारी तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम भारत से टक्कर ले पाओ। और इस समय तो भाई भूल ही जाओ। सपना देखो अच्छी बात है, लेकिन ये जो हवा में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसको करना बंद करो। तुमसे ना हो पाएगा, हम बता दे रहे हैं। वीडियो हमारा बनाने का मकसद नहीं था, लेकिन इस तरीके से पाकिस्तान वाले भौकाल में भौकाल कसे जा रहे थे यार, वाह। हमने सोचा कि चलो यार कुछ ना कुछ अपना भी ओपिनियन दे ही देते हैं।